ब्यूटी साम्स, तो आज की ये जो वीडियो है वो होने वाली है मेरी बेस्ट फ्रेंड के मेकअप लुक की। सो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड और इसका नाम है सेजल। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेजल का फुल ट्रांसफॉर्मेशन। सो फर्स्ट स्टेप एज अ रेगुलर मेकअप हमारी होती है मॉइस्चराइजिंग। सो स्टेप पर हम मॉइस्चराइजिंग करेंगे। फर्स्ट मैंने फाउंडेशन अप्लाइंग ब्रश की हेल्प से इसके मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था एंड मैंने ब्लश ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दिया है। और ब्लेंड करने के बाद उसका फेस एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और बाउंसी हो चुका है। सो अब आ रही थी नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन की। तो मैंने इसके फुल फेस पे डॉटेड फॉर्म में फाउंडेशन अप्लाई करना स्टार्ट किया है। नोज पे भी और आपको फुल फेस को कवर करना है और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर देंगे। अप्लाई करने के लिए मैंने यूज़ किया था ब्लश ब्रश विद अ लॉन्ग हैंडल एंड अभी मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर एंड ब्रश बोथ। थोड़ा सा हम डैब डैब करके पहले हम ब्लेंडर की हेल्प से कर देंगे, उसके बाद हम ब्रश की हेल्प से करेंगे। सो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, फेस पाउडर या लूज पाउडर की हेल्प से इस फाउंडेशन को सेट करेंगे। इसके बाद ये हल्का हल्का हाथों से आपको इसको अप्लाई करते जाना है और ये आपको दोनों साइड्स में अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और अपर लिप्स को नहीं भूलना है। अगर आप अपर लिप्स को फाउंडेशन नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं है, तो आप फेस पाउडर से भी अपनी स्किन टोन को मैच करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो इस पर फाउंडेशन लगा लें, उसके बाद फाउंडेशन को फेस पाउडर की हेल्प से सेट कर दें। और नेक्स्ट अभी बारी आएगी हमारे काजल की। तो सबसे पहले तो हम इनके सेजल के काजल अप्लाई करेंगे। एक आँख दोनों आँखों में अच्छे तरीके से काजल अप्लाई कर लेना है एंड देन हम डायरेक्टली काजल की हेल्प से नहीं, काजल की ही हेल्प से हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे और वो भी एकदम आसानी से। आपको उसके लिए आईब्रो किट की कोई नीड नहीं है। अभी हमने दोनों आईब्रोज बना लिए, मैं इसको ब्रश की आईब्रो ब्रश की हेल्प से इन्हें कॉम्प करूँगी जिससे परफेक्टली सेट हो जाए। और इसके बाद ये आईब्रोज और भी ज़्यादा प्रेटी लगने वाली हैं। सो इसके बाद हम लोग आँखों के ऊपर कंसीलर अप्लाई करेंगे। आँखों के एकदम आईब्रोज के नीचे एकदम परफेक्टली हम कंसीलर को अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उसको हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। और इसको ब्लेंड करने के बाद ये थोड़ा इसका शेड एकदम लाइट हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी मींस ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का ब्लू आई शेडो लगाऊँगी। ये ग्लिटर वाले आई शेडो हैं सो ये ऐसे नहीं दिखेंगे बट हाँ ये शाइन ज़रूर करते हैं। सो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ग्लिटर आई शेडो एंड मैंने दोनों आईज पे मैंने ग्लिटर आई शेडो लगा लिया है। और अब आ रही आती है हमारे मस्कारा की। सो अभी मैं लगा रही हूँ मस्कारा अपर लैशेस पे। लोअर लैशेस पे मस्कारा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना अपर लैशेस पे होता है। और ऐसे ही मैं अब दूसरी आँख पर भी मस्कारा लगाने वाली हूँ धीमे धीमे। हम मस्कारा लगाने से पहले अगर आप चाहें तो लैशेस कर्ल कर सकते हैं। अब मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक। सो मैंने दो लिपस्टिक लिए, दोनों शेड्स को मिक्स करके फिर अप्लाई किया है। सो ये लग चुकी है लिपस्टिक। अब आ रही आती है ब्लश की। सो मैंने लिया है रेड एंड अ काइंड ऑफ मजेंटा ब्लश। इन दोनों ब्लशेस के ऊपर मैंने दोनों ही ब्रशेस को मिक्स करके फिर अप्लाई किया है। ये आप ब्रश पे देख सकते हो, ये मैंने टू टाइम्स अप्लाई किया है जिससे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा ही रेड चीक दिखे। मीन्स ओवरलोडेड भी नहीं बट हाँ हल्का सा ज़्यादा रेड किया है। एंड दूसरे पे भी मैंने दोनों शेड्स को मिक्स करके अप्लाई कर दिया है। ऐसे ही सेकेंड टाइम पर भी अप्लाई करा है और इससे आप देखिए दोनों आईज एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अब करेंगे हम हेयर्स की स्ट्रेटनिंग। सो मैंने साइड पार्टीशन कर लिया है हेयर्स का और एकदम स्ट्रेटली साइड पार्टीशन किया हुआ है। और इसके बाद हम इनको कॉम्ब करेंगे विद द हेल्प ऑफ रोलिंग कॉम्ब और दिस पार्टीशन कॉम्ब। कोई से भी कॉम्ब की हेल्प से आप इसे कॉम्ब कर सकते हो एंड
अच्छे से काम करने के बाद आप इसमें, हम लोग इसमें स्ट्रेटनर अप्लाई करने वाले हैं, मींस अप्लाई नहीं, स्ट्रेटनर की हेल्प से फिर हम इसे स्ट्रेट करेंगे। तो ये तभी मैंने स्टार्ट किया है स्ट्रेटनिंग करना, और स्ट्रेटनिंग से एकदम एक ही वायर में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाता है कि कितने अच्छे स्ट्रेट हो चुके हैं सेजल के बाल, और ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ऐसे ही हम फुल हेयर्स को स्ट्रेट करेंगे। अभी हम पीछे वाली साइड के बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं, और इसके लिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिटैंगलिंग। आपके बाल अगर अच्छे से डिटैंगलिंग नहीं होंगे तो इसके पार्टीशन सही से नहीं बन पाएंगे, और अगर एकदम अच्छे से हैं तो फिर इसके पार्टीशन भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने पीछे वाले पार्ट को भी डिटैंगल करके अच्छे से कर लिए हैं हमारे हेयर स्ट्रेट। अभी मैं पूरे करके लास्ट सीन देखिएगा।